ऑल राइट गाइज, गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं स्पैनटेक के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बोल बता नहीं सकता हूँ मैं कितना इम्पोर्टेंट है। डिवोर स्पैनटेक HTML के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको वेबसाइट डेवलप करनी है तो आपको स्पैनटेक के बारे में पता होना ही चाहिए। अब स्पैनटेक क्या होता है? स्पैनटेक का मतलब होता है कि आप एक लाइन के अंदर दिखाना चाहते हैं किसी ऐसे वर्ड को, किसी ऐसी चीज़ को, तो अगर आप चाहते हैं कि वो ब्रेक ना करे तो आप स्पैनटेक का सिंपल यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पैनटेक का मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखते हैं स्पैनटेक हम कैसे यूज़ कर लेते हैं HTML के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो में। ठीक है, शिफ्ट देन F1, आपको पता ही है शिफ्ट देन F1 नहीं सॉरी शिफ्ट देन 1 परफेक्ट एंड एमिट ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ स्पैनटेक। ठीक है, स्पैनटेक मैंने किया परफेक्टली। देन डिव, एक मैं डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ सिंपल दे देता हूँ एक्सीलेंट कोड विद एज, सिंपल कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था, कॉपी पाथ किया इनको, कॉपी पाथ किया। ठीक है, और जाके पेस्ट कर दिया तो आपको कुछ दिख तो रहा ही है, वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं इस एजे का कलर, इस एजे का कलर रेड हो जाए वगैरह हो जाए, इस ऐसे आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको स्पैनटेक, तो गाइज आपको पता है कि आपको आना ही चाहिए। आप अलग क्लास उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अपना खुद का उसके अंदर कुछ प्रोड्यूस करने का तरीका होता है, वो स्पैनटेक का ही काम होता है गाइज। मान लीजिए आपको ये एजे टैग है, ये एजे टैग है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, हल्का सा। CSS के बारे में देखेंगे डिज़ाइन कैसे करते हैं सब कुछ, लेकिन देखिए आपको बता देता हूँ HTML का सीरीज चल रही है तो इसके अंदर स्पैनटेक का आपको पता होना ही चाहिए। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, काम करता हूँ मैं एक स्पैनटेक ले लेता हूँ। ठीक है, स्पैनटेक ले लिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया सिंपल एजे। अभी आपको दिखाऊँ तो कुछ ज़्यादा फ़र्क तो रहेगा नहीं, आपको सिंपल दिखेगा एजे दिखेगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे इसकी क्लास दूँ, क्लास क्या दूँ, क्लास मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर ST वाली स्टाइल इक्वल टू, अगर मैं बैकग्राउंड कलर रख, मैं रेड दे दूँ इसको, एक बार के लिए रेड मैंने प्रोवाइड कर दिया। जैसे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं इसका रिफ्रेश हो चुका है। कैसा लगा ये स्पैनटेक, इसी के लिए यूज़ किया जाता है गाइस। अगर मैं क्यों ना इसका विड्थ यहाँ पे करता तो पूरे का हो जाता, लेकिन मुझे इतने वर्ड का चाहिए, तो मैं इसके लिए ये सिंपल है कि मैं स्पैनटेक का यूज़ करता हूँ। ठीक है, देन अगर मुझे मान लो कलर इसका सिंपल चाहिए वाइट, जो भी है वाइट कलर चाहिए, तो वाइट आपको यहाँ पे कलर मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और अगर आपको इसका हल्का सा फंट साइज इंक्लूड करना है, फंट साइज, ठीक है, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर देगी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3rem मैंने किया, तो ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। तो ऐसे अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो आप स्पैनटेक का सिंपल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आप इसका यूज़ कीजिए सिंपल। सो आई होप गाइज आपको स्पैनटेक के बारे में आज पता चल गया होगा, और काफ़ी और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। हम एक अच्छी सी वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे, आपको फुल बताऊंगा कि एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू गाइज सो मच, बाय बाय।